तो अगेन मैं फिर से आ गया एक न्यू वीडियो लेकर, और इस वीडियो में मैं बात करूँगा एको सीरीज़ के बारे में। तो प्रीवियसली मैंने बात किया था डेयर डेविल के बारे में कि डेयर डेविल हमें दिखाई देगा एको सीरीज़ में वगैरह वगैरह चीज़। अब बढ़ते आगे, तो जो किंग पिन का रोल प्ले करते हैं विंसेंट और जो मार्वल स्टूडियो से, उन दोनों ने ही कंफर्म ये कर दिया है कि डेयर डेविल की सीरीज़ जो कि नेटफ्लिक्स पे आई थी वो अब कैनन है एमसीयू को। तो आप लोगों को यहाँ पे मैं एक चीज़ याद दिला दूँ कि केन फेगी सर ने भी कहा था कि अब मल्टीवर्स से तो जो भी कंपनी ने बनाया है मूवी या फिर सीरीज़ वो सब अभी कैनन है एमसीयू को। तो ये चीज़ मुझे क्लियर करनी थी क्योंकि केन फेगी सर ने ये बहुत पहले कह दिया था। और इसी के साथ आप लोगों को मैं ये भी बता दूं कि विंसेंट जो कि किंग पिन का रोल प्ले करते हैं, उन्होंने ये एक इंटरव्यू में कंफर्म किया और मार्वल स्टूडियोज़ ने एक टीवी स्पॉट या फिर टीज़र को उसके ज़रिए कंफर्म कर दिया है। इसी के साथ रूमर ये निकल के आया है कि हमें नेटफ्लिक्स की जो सीरीज़ आई थी डेयर डेविल पे, तो वहाँ से हमें कुछ कैमियोज देखने मिलेंगे कैरेक्टर्स के एको के फिनाले में यानी कि एपिसोड 5 में। तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। तो जो सीरीज़ आई थी डेयर डेविल की नेटफ्लिक्स पे, तो वहाँ पे बहुत सारे कैरेक्टर्स थे, तो उसमें से कौन सा कैरेक्टर हमें दिखाई देगा जिसका कैमियो होगा एको के फिनाले में, हमें नहीं पता है। बट हाँ, ये रूमर है, तो हो सकता है कि कैमियो हो फिनाले में, क्योंकि डायरेक्टर ने भी कंफर्म किया था कि हमें मल्टीपल कैमियोज दिखाई देंगे एको की सीरीज़ में। वैसे सारे एपिसोड एक साथ ड्रॉप होने वाले हैं, तो सारे बॉम्ब एक साथ फटने वाले हैं। तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे, और ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो इस वीडियो को लाइक करो, और कोई न्यू बंदा या बंदी हो चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करो। तो मैं मिलता हूँ वैसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन चैनल को शेयर करो।